कोई एक बात हो तो बताऊं। अबे जिंदगी सुधर जाएगी शादी के बाद। जरा प्रभु के प्रवचन तो सुन लो। भाई कब तक अकेला रहेगा, अब तो शादी कर ले। अरे भूषण जी, अब तो लड़के की उम्र हो रही है, अब तो शादी कर रहे हैं। और दो चार साल शादी नहीं की तो अकेले ही रहना पड़ेगा। भाई सबकी हो गई है, बस तू ही लटका हुआ है। भाई क्या कर रहा है तू, शादी क्यों नहीं कर रहा है? सही उम्र में शादी करना सही होता है। बच्चे बच्चे बुढ़ापे में पालोगे क्या? अरे शादी करके घर बसा ले, खुश रहेगा। अरे भाई बुढ़ापे के लिए एक साथी तो चाहिए ही, क्या सोच रहा है तू? अबे जवानी काट लोगे लेकिन बुढ़ापे में बड़ा कष्ट है। डर मत शादी कर ले, डर मत बस शादी कर ले। सबने कर ली, लोग क्या कहेंगे, डर मत। फेफड़े गल जाएंगे, कैंसर से मरोगे, यही हाल रहा तो। भोज कराने की जल्दी है क्या? ये बात इसे बोल, चोर की तरह छत पे छुप के कष्ट पे कष्ट लगाया जा रहा है। वही मैं भी इसे यही समझाने आया था भाई, शादी हो रही है सुधर जा। क्विट स्मोकिंग, इंजूरियस टू हेल्थ। अरे यार तुम लोग चुप करो, यहाँ डर से फटी पड़ी है कि पता नहीं क्या होगा। होना क्या है, तू घोड़ी चढ़ेगा। अब पता नहीं घोड़ी चढ़ेगा कि सूली, लगता तो यही है कि सूली चढ़ेगा। ओ भाई ओ, पार्टी करने आया हूँ, मूड की मदर सिस्टर वन न कर, पहले कह रहा हूँ। बात क्या है बता, कोई एक बात हो तो बताऊँ। एक एक करके बता दे। भाई हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर रेस ही चल रही है, ऊपर पे इस सोशल मीडिया पे सामान्य बुद्धि के लोग यही दिखाने में लगे हुए हैं कि बेटे तुम मिस हो रहे हो, कुछ छूट रहा है। जब भी सोशल मीडिया पे जाओ सब अपनी छोटी से छोटी इवेंट चिपका रहे हैं, सब यही दिखा रहे हैं कि बेटे जॉब प्रमोशन हो गई, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, ऊपर से घर भी बना लिया है, पर तुम्हें नहीं बुलाएंगे क्योंकि यू आर लेट इन गेटिंग दीज सो कॉल्ड सोशल अचीवमेंट्स। तो तेरी क्यों सु लग रही है, और ये क्या बातें बना रहा है बे? अपने तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा भाई, कहना क्या चाहता है ये? अबे दबाव पड़ता है यार, मानसिक दबाव। अच्छा बेटे तो तू ये कहना चाह रहा है कि तू ये शादी दबाव में आके कर रहा है? नहीं भाई ऐसी कोई दबाव नहीं है। तू शादी तो करना चाहता है ना? हाँ भाई। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? भाई किसी भी इंसान की जिंदगी के लिए शादी एक सीरियस डिसीजन होता है। और ये बात तुम्हें शादी का डिसीजन लेने के बाद समझ में आ रही है? अरे रुको जरा, प्रभु के प्रवचन तो सुन लो। भाई तुम सबको तो पता ही है कि MBA के बाद से मैं अकेला ही रहता आया हूँ। इस बात को 10 साल हो गए। Denied. एक आदत सी हो गई है अकेले रहने की, अच्छा लगने लगा था अकेले रहने में। इतना ट्रेंडी होने के बावजूद कभी किसी लिविंग रिलेशनशिप में नहीं गया ताकि मुझे अपना माई टाइम किसी के साथ शेयर ना करना पड़े। पर अब बेड क्या और घर क्या, पूरी लाइफ शेयर करने की बात है। क्या उखाड़ लिया है तुमने अपने माई टाइम में, कोई रॉकेट साइंस बना रहे हो क्या? अरे अरे तुम समझे नहीं भैया, लेजीनेस में जितना एक्टिव है उतना ही एक्टिवनेस में लेजी है। मतलब भैया जब भोकाल बन करके पड़े रहे तो इन्हें कोई रोक टोक नहीं चाहिए।
अबे जिंदगी सुधर जाएगी शादी के बाद, पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, टाइम पे खाना पीना, ऑफिस जाना, बहुत टाइम बचता है, तेरा घर ऑटो मॉडिफिकेशन मोड पर चला जाता है, ऐसा जो तूने अपने सो कॉल्ड माई टाइम में कभी ना किया हो। मुझे तो उसके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं, ये तो ऐसे डर रहा है जैसे मौत देख ली हो।